आज हम बात कर रहे हैं भारत पाकिस्तान के बीच हुए 1971 के युद्ध की। 3 दिसंबर 1971 को भारत पर पाकिस्तान के हमले के कारण शुरू हुआ यह युद्ध 13 दिनों तक लड़ा गया। यह पहला युद्ध था जिसमें भारत ने अपनी तीनों सेनाओं का इस्तेमाल किया। युद्ध पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर लड़ा गया था। भारत ने पूर्वी मोर्चे पर आक्रामक रणनीति अपनाते हुए लगभग चारों तरफ से पाकिस्तानी सेना पर जवाबी हमला किया। पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना को भारी हार का सामना करना पड़ा। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की पनडुब्बी PNS गाजी को विध्वंसक INS राजपूत से विशाखापट्टनम बंदरगाह के पास डुबो दिया और विमान वाहक जहाज INS विक्रांत से पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य ठिकानों पर हमले किए। भारतीय वायुसेना ने युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह को भारी नुकसान पहुंचाया। पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों और अफसरों को भारतीय सेना ने बंदी बना लिया और 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना के बिना शर्त आत्मसमर्पण के साथ युद्ध की समाप्ति हुई। परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान का एक नए संप्रभु देश बांग्लादेश के रूप में उदय हुआ।